हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी, माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अपना नेक्स्ट एजेंडा की ओर हम लोग देखेंगे, जो हमारा है गुप्तकाल। ठीक है, इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मौर्य साम्राज्य का जब विघटन हो गया, उसके बाद बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि आपका हो गया रोमन साम्राज्य जो थे वो आए यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, शक, कुषाण। ठीक है, जैसे साम्राज्य जो थे वो भारत में आधिपत्य जमाने के लिए वो यहाँ पे आए। ठीक है, ये सब हम अभी तक देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले बार का जो देखना है आपको, समझना है जो हम बोल रहे हैं अभी फिलहाल, वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर समझिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं, मतलब पहला टाइम इसी वीडियो पर आपका आया है, तो प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो अभी तक 7 वीडियोज़ अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आगे उन सातों को देखिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक वंश का खत्म हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा किससे लड़ाई किया, फिर किससे गद्दी ली, तो ये सब आपको पहला वीडियो देखकर ही समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी देखिए, हम एनसीईआरटी अगर शुरू किए हैं तो हम पूरा कम्प्लीटली एनसीईआरटी को कम्प्लीट करेंगे, पूरा हिस्ट्री का। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री आगे हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिएगा, वरी मत होइएगा कि कब कंप्लीट होगा, पता नहीं पूरा कंप्लीट होगा या नहीं, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, और अच्छे मैटर के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने एजेंडे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, ये चैप्टर से जो है वो हम कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, विदाउट समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 7 है गुप्तकाल, और आपका जो अगर सीरीज नंबर बोले तो ये आपका शायद 8 होगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि मौर्य काल मौर्य साम्राज्य का विघटन हो चुका था, छोटे छोटे बहुत सारे राज्य जो थे वो एराइज हो चुके थे, जैसे कि आपका कुषाण, शक और बहुत सारे यूनानी थे। ठीक है, उन लोग के राज में बहुत से रोमन साम्राज्य के लोग, रोम से लोग आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए, अपना व्यापार प्रसार करने के लिए, बहुत तटीय इलाकों में बस भी गए। यहाँ से बहुत ही अमूल्य धातु, अमूल्य चीज़ें, जैसे कि आपका मसाला, अच्छे अच्छे बहुत कीमती पत्थर वगैरह वो अपने साम्राज्य को ले जाते थे। ठीक है, और उसके बदले सोना देते थे, इसीलिए जो है आपका जो साउथ इंडिया है वो बहुत ही मतलब सोने से भर, बहुत ही मतलब फुलफिल था। ठीक है, और आज भी हम जानते हैं कि साउथ इंडिया जो है वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका कारण कुछ ऐतिहासिक अगर रूप से देखा जाए तो इसका कारण ये भी है कि वहाँ पे रोमन साम्राज्य के लोग जो थे, रोम के लोग यहाँ से कुछ वस्तु के बदले वो सोना यहाँ पर देकर जाते थे, सोना देकर जाते थे, जिसके कारण जो हमारा साउथ इंडिया है वो बहुत ही सोना से फुलफिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब देखेंगे कि कैसे क्या हुआ कि एक भारत में, भाई अब ये छोटे छोटे राज्यों का तो उदय हुआ ही, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि एक और राजवंश का उदय हुआ यहाँ भारत में। ठीक है, उसका नाम था गुप्त राजवंश। क्या नाम था? गुप्त राजवंश, जिसका शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। एक जो मौर्य साम्राज्य जब विघटन हो गया, बहुत छोटे छोटे राज्य भी आए, उससे उसी के काल में एक गुप्त काल भी आया, गुप्त राजवंश। ठीक है, जिसका शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा जिनकी शुरुआत पहले के युग में हो चुकी थी। ठीक है, मतलब जो पहले के राजा थे वो भी बहुत सारे तरक्की कर रहे थे, उपलब्धियां प्राप्त कर रहे थे, तो ये भी राजा जो थे वो उन्हीं हस्तियों में थे जो उपलब्धियां, तरह तरह की उपलब्धि मतलब प्राप्त कर रहे थे, और बहुत ही शक्तिशाली नरेश के रूप में उभर कर आए। बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे, उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इन सब ने भारतीय संस्कृति में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिया। ठीक है, इस राजवंश का पहला जो शासक था, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कभी कभी पीसीएस एग्जाम में आ जाता है कि क्रमानुसार सजाएं, कौन सा मतलब गुप्तकाल में पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा शासक कौन था, ऐसे करके आ जाता है। तो पहला जो था वो आपका हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, पहला जो हो गया आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। ठीक है, गुप्तकाल 200 सालों तक शासन कायम रहा इसका। ठीक है, सिनॉप्सिस के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम आया, और चंद्रगुप्त प्रथम जो था उन्होंने एक खास काम ये करा कि उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह करना का खास काम नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि उन्होंने विवाह कर लिया, ये वो खास काम है, बस उसने ये है कि लिच्छवी जनजाति को पूर्वोत्तर भारत में अभी प्रतिष्ठा थी, उसने
एक तरह से देखा जाए तो उस साम्राज्य को में भी हथियाने के लिए किया होगा, उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उसने शायद शादी किया होगा, कि बहुत ही प्रतिष्ठित जनजाति माना जाता था उस टाइम पूर्वोत्तर भारत का, तो शायद इसलिए उसने विवाह संबंध उनके साथ बनाया होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब इसकी स्टोरी शुरू होगी कि उसने क्या किया कि 320 ईस्वी में उसने गद्दी पर बैठा, उसने साकेत मतलब जो अयोध्या में स्थित है, प्रयाग, इलाहाबाद और मगध पर शासन किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत के शक्ति में शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध जब चंद्रगुप्त प्रथम जब अपने गद्दी पर बैठा तो और मगध के साम्राज्य को अपने में मिला लिया, तो एक बार क्या हुआ, फिर से मगध जो है उत्तर भारत का बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया, और इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और भी शक्तिशाली बना दिया। तो मतलब गुप्त काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए। तो फिर जब समुद्रगुप्त के हाथों में आई राजगद्दी तो उसने क्या किया, उसने मगध राज को और भी शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, अब उनके द्वारा क्या क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या किया वो हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। फ्रेंड्स आप प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में एक अभिलेख के में पता चलता है। भाई अब उनके बारे में कैसे पता चलता है कि उनकी व्यवस्था कैसी थी, वो किस प्रकार से शासन करते थे, तो इलाहाबाद में एक स्तंभ है वहाँ पे खुदा हुआ है, वहीं से पता चला है कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, वो कैसे विजय घोषित हुए। ठीक है, उन्होंने कैसे एक नेक नेक बड़े बड़े काम कार्य किए, तो ये जो पता चलता है वो इलाहाबाद में एक स्तंभ है वहीं से पता चलता है, उन्हीं को खुदा हुआ चीज़ें वहाँ पे जो खुदा हुआ है उसी से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ इस अभिलेख में क्या देखा जाए तो इस अभिलेख में पहले अशोक ने भी अपने आप बहुत सारे लेख वहाँ पे खुदवाए थे इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद के स्तंभ में अशोक ने भी बहुत सारे स्तंभ खुदवाए थे। ठीक है, बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इसे यहीं पे खुदवाया गया, मतलब जो भी इलाहाबाद का जो स्तंभ है वहाँ पे समुद्रगुप्त ने भी अपने बारे में अपने वहाँ पे भी खुदवाया, और बाकी अशोक जो थे वो अशोक तो उससे पहले खुदवा चुके थे वहाँ पे। ठीक है, अपने अपने विजय का वर्णन किया कि कैसे वो विजित घोषित हुए थे, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य में राज किया ये सब। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने पिता से उत्तराधिकार में राज प्राप्त किया था। ठीक है, राजा बनने पर वह दिग्विजय के लिए निकला, अपने लंबे अभियान से उसने भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त कर ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। मतलब उसने क्या किया, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, सबको अपने में मिला लिया। सोचिए ये कितना अच्छा राजा था, प्रतिभाशाली था, कि उसने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा दिल्ली से लेकर उसने दक्षिण के राजाओं से युद्ध कर लिया। ठीक है, जो दक्षिण के राजा थे उन सभी को युद्ध करके सभी राजाओं से उसने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राजाओं से सबसे युद्ध किया, और पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की, और अन्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर बनाया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल, उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 गणराज्य, कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा, और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए। सोचिए उनका विस्तार, साम्राज्य विस्तार कितना था, कि वो पूरा नॉर्थ से लेकर वेस्ट से लेकर पूरा साउथ तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, और सभी जगह से वो कर वसूलते थे। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे गुप्त काल कितना सुखी संपन्न हुआ, धनवान हुआ है ना। परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। मौर्य राजा में क्या होता था कि उसने क्या, मौर्य राजा में क्या था कि राजा एक सर्वे सर्वा है, वो जो बोलता था उसकी उसकी जो बात थी वो पूरे गांवों तक चलती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी थी इसमें। ठीक है, इसमें शासन की व्यवस्था ये थी कि जो जैसे कि आपका जिला, आपका जो साम्राज्य होता था, साम्राज्य के बाद प्रांत होता था, प्रांत के जो मेन होते थे उसके राज्यपाल कहते थे। ठीक है, और भी जो होता था जैसे कि आपका गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर जो अधिकारी होते थे वो कुछ कुछ काम अपने मन से भी करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा कुछ वो राजा के ही मतलब परमिशन से करते थे, कुछ उन्हें अगर लगता था कि हाँ होना चाहिए, सटीक लगता था कि करना चाहिए, तो वो अपने मन से भी कर लेते थे, इसलिए बोला जा रहा है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी। मौर्य साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली थी कि राजा का ही बातों को मतलब मानना है, ऐसा इसमें नहीं था। ठीक है, पश्चिम में शकों ने नया खतरा कर दिया, पश्चिम में शक जो आए और वहाँ पे आक्रमण किए और ये लोग के लिए खतरा पैदा कर दिया, गुप्त साम्राज्य के लिए। ठीक है, गुप्त साम्राज्य प्रमुखता उत्तर भारत तक ही सीमित था, उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं बल्कि कवि और संगीत भी था, उसने एक सिक्के पर, मतलब वो एक संगीत भी था और कवि भी था, उसने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, उसके एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया कि भाई वो संगीत में भी बहुत ज़्यादा उनका मन लगता है, ये कहने का तात्पर्य है कि वो कवि थे, संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय आया, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय।
जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है पीसी वाले में कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या अलग अलग नाम है? नहीं, इन्हीं का नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके उसने विजय प्राप्त की। अब भाई समुद्रगुप्त के समय जब शकों ने पश्चिम भारत में आक्रमण कर उसने परेशान करने लगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो भी एक प्रतिभाशाली राजा था, उसने उस पर चढ़ाई की और उसे हराकर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से भी वैवाहिक संबंध के जरिए मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाक्टिक राज्य से था। ये बहुत अच्छा मतलब फंडा है कि अगर आप किसी साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, आपको दुश्मनों का खतरा है, तो आप वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह कर लो, विवाह संबंध बना लो ताकि कोई टेंशन ना हो, ठीक है, और साम्राज्य भी अपना हो जाए। तो ये चीज़ मतलब कई राजाओं करते थे, जैसे अब उभर कर आ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ऐसा ही करा था कुछ। ठीक है, विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। इन दिनों राजा यदि दार्शनिक कवि या लेखक की रचना से प्रश्न होता तो वह अपने राजा से मिलता था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय अच्छा था, वो भी कला और संगीत को बहुत ही पसंद करता था। जिस प्रकार समुद्रगुप्त विजय था, वो भी कला और संगीत को बहुत पसंद करता था। ठीक है, उसी प्रकार ये भी था। फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि हुन जो खानाबदोश लोग थे, वो हर जगह जाते थे, हमला करते थे। जैसे कि उन्होंने चीन पर हमला करा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि चीन पर हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन चीन जो था वो इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था कि उसे पराजित करना उसके बस की नहीं थी। ठीक है, फिर वो क्या, वो मध्य एशिया की ओर आगे बढ़ता गया कि भाई कहीं तो आक्रमण करे, है ना, कहीं के साम्राज्य को अपने क्षेत्रों में मिलाया जाए ऐसा वाला। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसे पता चला भारत के बारे में कि भाई भारत जो है बहुत ही समृद्धशाली देश है वहाँ पे, तो उनकी दौलत के बारे में सुनकर क्या हुआ कि वो उत्तर भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, और उसने लगातार हमलों के कारण जो है वो गुप्त की शक्ति जो थी वो छिन्न हो गई, और अंत में हुन जो था वो पंजाब और कश्मीर के शासक बन गए। मतलब जो हुन है वो भारत में आक्रमण करने में सक्सेस रहे, और उसके बाद वहाँ के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने पर भी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि करीब 100 साल तक हुन शक्तिशाली बने रहे, मतलब गुप्त राजवंश को की नींव को हिला दिया, उसे हरा दिया, और करीब 100 साल तक वो शक्तिशाली बने रहे भारत में। ठीक है, उसके बाद उनकी शक्ति छीन हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत से भारत में स्थायी रूप से बस चुके थे और भारतीय जन समुदाय का अंग बन गए। मतलब हुन देखिए कहाँ से आए, खानाबदोश लोग थे, वो आक्रमण करने आए, वो चीन में आक्रमण किए, चीन इतना बलशाली था कि उसे हराना पराजित नहीं कर पाए, लेकिन भारत के बारे में सुना कि भारत के पास बहुत दौलत है। ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, है ना, वो उनके दौलत के बारे में आए और उसके हरा भी दिया गुप्त राजवंश को, उनकी नींव हिला कर रख दी, वे हार गए, पराजित हो गए। उसके बाद उन्होंने पंजाब और कश्मीर में ऑक्युपाई कर लिया अपना शासन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लेकिन वो 100 साल तक कंटिन्यू मतलब राज्य किए, उसके बाद वो भी छिन पड़ गए, उनका भी जो वंश है वो समाप्त हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ तो ऐसे थे जो भारत में ही बस गए, आम नागरिक की तरह जन समुदाय में समा गए, उनकी संस्कृति को अपना लिए, भारतीय संस्कृति को अपना लिए, तो फिर यहाँ तक उनका मतलब ऐसा गुप्त राजवंश का कुछ ऐसे मतलब समय थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गुप्तों की शासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, कैसे वो राज शासन करते थे, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि गुप्त राजवंश की जो शासन व्यवस्था थी वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था मौर्य साम्राज्य की अपेक्षाकृत। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब देखिए मौर्य साम्राज्य बारे में हम नहीं बोलेंगे, मौर्य साम्राज्य में राजा का ही चलता था। ठीक है, आप देखिए समझिए, राजा सर्वे सर्वा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि निम्न तबके का जो अधिकारी होते थे, राज्य स्तर के, जिला स्तर के, गांव स्तर के जो अधिकारी होते थे, या फिर बोले तो जिला के स्तर के जो राज्यपाल होते थे, राज्यपाल जिला के स्तर पर राजपाल थे, तो उन लोगों का बात चलता था। अगर उन्हें लगेगा कि हमारे क्षेत्र में ये करना सही रहेगा तो वो करेंगे, बहुत चीज़ों में वो राजा का परमिशन नहीं लेते थे। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रांतों के शासक मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे, उदाहरण के लिए अपने हर काम के लिए वे राजा की अनुमति नहीं लेते थे, ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, प्रांत जिलों में बांटे गए थे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने इसका सिनॉप्सिस बनाया था कि कैसे कैसे बटा हुआ है। ठीक है, आप उसे भी देख लीजिए। जिलों के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन व्यवस्था में मदद करें, कि कॉपरेट करें। ठीक है, और गवर्नर को सलाह देने के लिए समितियाँ बनाई गई थी, जिला समितियाँ बनाई गई थी। ठीक है, ये समितियों को केवल शासन के अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के नागरिक भी शामिल था, उसमें सिर्फ अधिकारी वर्ग के लोग ही नहीं, ऑफिसर्स ग्रेड के ही लोग वहाँ पे नहीं, बल्कि आम नागरिक को भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के मौका मिलता था कि आप भी राज्यपाल को सलाह दे सकते हो, आप भी राजा को सलाह दे सकते हो कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बहुत पॉजिटिविटी देखा गया है। ठीक है,
परवर्ती शासकों के समय यह प्रथा बदल गई। नगद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों को उनके वेतन के बराबर भूमि से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा। ठीक है, अधिकारियों को वेतन नगद के रूप में ना देकर जागीर के रूप में देने का परिणाम यह हुआ कि राजा का उन पर अधिकार नहीं रहा जितना कि मौर्य सम्राट का अपने अधिकारियों पर था। ठीक है, पहले मौर्य उसमें क्या था कि वो वेतन देते थे, इसमें क्या हो गया, नहीं जागीर की दे दिया कि जाओ कर वसूलते रहो। ठीक है, इससे क्या हुआ कि राजा थोड़ा मनमानी करने लगा, सॉरी राजपाल या फिर अधिकारी मनमानी करने लगा, राजा की बातों को उतना नहीं सुनता था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक थोड़ा कमजोर पड़ गया शासन व्यवस्था। ठीक है, दूर के कुछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। दूर के प्रांत वाले तो ऐसा सोचने लगे, वो लोग इतना फ्रीडम महसूस करने लगे कि वो अपने आप को ही राजा समझने लगे। वो सोचने लगे हम अपने क्षेत्र के राजा हैं। वो ये भूल चुके थे कि हमारा राजा जो है वो साम्राज्य स्तर का जो प्रमुख है, सर्वे सर्वा है, वही हमारा राजा है। वो ऐसा निम्न निम्न क्षेत्र के जो राजा थे वो भूल चुके थे, प्रांत लेवल के आपके इस जो राजा थे वो भूल चुके थे ये चीज़। ठीक है, गवर्नर ने अपने अपने को छोटे प्रांतों का राजा घोषित कर दिया। भाई जिला का जो राज्यपाल होता था वो अपने आप को ही राजा घोषित कर दिया अपने प्रांत का। ठीक है, यही फ्लेक्सिबिलिटी का यही नतीजा हुआ। अब देखेंगे कि उसका समाज कैसा था। हाँ, अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में जो हमें पता चलता है वो फयान के बारे में। फयान लिखा था, फयान जो था वो चीन विद्वान था, उन्होंने ही वो भारत आया था। ठीक है, और भारत की स्थिति को देखा। ठीक है, गुप्त राजवंश के समय में आया था, वो सब कुछ देखा, फिर उसे अलग अलग विचार आए कि भाई यहाँ पे कैसे कितने अच्छे अच्छे लोग हैं कि बौद्ध और ब्राह्मण जो है वो आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं फिर भी एक साथ रहते हैं। और उसने भारत के धन दौलत के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब बहुत बहुत प्रशंसा किया वहाँ के बारे में। ठीक है, और बताया कि लोग वहाँ पे कानून का पालन करते हैं, लोग बहुत ईमानदार हैं, कानून नरम है, दंड भी कठोर नहीं होते हैं, मतलब तरह तरह की बातें बताई कि कृषि वहाँ की जाती है। ठीक है, करों से राज्य की आमदनी होती है, ये सब सब मतलब कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ थे ठीक वो फयान ने अपने विवरण में लिखा, अपने वितांत में लिखा, और उसी के अभिलेखों से, उसी द्वारा जो साहित्य स्रोत है उनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाई गुप्त राजवंश कैसा रहा होगा। ठीक है, तो इस देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि फयान के बारे में जो यहाँ पे आया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि किसके विवरण से पता चलता है गुप्त राजवंश का शासन कैसा था, तो ये आपका फयान हो गया। ठीक है, जो कि 399 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, अब ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्रांतीय के शासक को गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, व्यापार क्या क्या करते थे। तो क्या था, पहले के काल में व्यापार में वृद्धि होने के कारण नए नगर बढ़े और समृद्ध हुए। ठीक है, व्यापार बढ़ा, कृषि से लोग व्यापार की ओर अग्रसर हुए, फिर व्यापार भी धीरे धीरे समृद्ध की ओर बढ़ा। ठीक है, और गुप्त काल में क्या हुआ था कि समृद्धि जारी रही, ना केवल भारत के भीतर पश्चिम एशिया के साथ साथ बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। पश्चिम एशिया के साथ साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी भारत का व्यापार चलता था। ये पहले भी चलता था, पहले के वंश के लोग भी इनके साथ व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और पश्चिम क्षेत्र के साथ भी उनका व्यापार कंटिन्यू होता ही रहता था। व्यापारी माल लेकर विदेशों में जाने लगे, वहाँ का माल को यहाँ लाने लगे। ठीक है, आयात निर्यात का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा, जिसके कारण वहाँ की जो जिसके कारण ये साम्राज्य जो है वो बहुत ही धनवान होने लगा। ठीक है, जहाज़ निर्माण के ज्ञान में वृद्धि हुई, बहुत सारी चीज़ें का नया नया टेक्नोलॉजी उन्हें पता चला। पश्चिम और पूर्वी तटों के बंदरगाहों में पहले अधिक से जहाज झुंड बनाने लगे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार तो पहले भी चलता था, है ना, लेकिन व्यापार की जो स्थिति थी, गति थी, वो और भी तेजी गति से बढ़ने लगा। बंदरगाहों में और भी जहाज़ों के झुंड खड़े हो गए, मतलब इतना सामान का आयात और निर्यात होने लगा, इतना व्यापार दूसरे देशों के साथ बढ़ गया। ठीक है, ये बता जा रहा है, समृद्धि को दर्शा रहा है ना ये, कि उस टाइम कितनी समृद्धि थी, है ना। गंगा की नदी मुख प्रदेश में स्थित त्रामलिप्ति तमलुक बंदरगाह, ठीक है, ये देखिए गंगा की नदी मुख प्रदेश में त्रामलिप्ति तमलुक बंदरगाह। फ्रेंड देखिए, इसमें एक एक चीज़ जो लाइनिंग दिया हुआ वो तो हम नहीं पढ़ा सकते ना, वो तो सिनॉप्सिस का मतलब ही होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको नोट डाउन करना और उसे ही हाईलाइट करना। ठीक है, वही हम कर रहे हैं। त्रामलिप्ति तमलुक बंदरगाह, ये कहाँ है, गंगा के नदी मुख प्रदेश में, और एक है भड़ोच, सोपारा और कल्याण पश्चिम तट के बंदरगाह हैं ये। ठीक है, भड़ोच, तो ये बंदरगाहों का यूज़ किया जाता था, उपयोग किया जाता था, तो उस टाइम जो राजा थे वो इसका उपयोग करते थे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है वो इन बंदरगाहों का उपयोग करते थे। ठीक है, ये आपका इसमें दिया हुआ है। हाँ, इसका हूनों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियों के कारण, और फिर क्या हुआ ना कि इसका आपका बोले तो एक बार इसमें देखिए लिखा हुआ है कि
वहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया को जहाज भेजते थे। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला और भारतीय संस्कृति के अनुरूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि वहाँ की जो संस्कृति थी, धर्म थे भारत के, वो सभी देशों में पहुँचने लगा भाई, दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचने लगा। वहाँ के लोगों की संस्कृति बहुत पसंद आई, उन्हें अपना भी लिया। सोचिए, व्यापार का तो होता ही था, व्यापार का आना जाना, व्यापारी संबंध तो थे ही, सांस्कृतिक संबंध भी भारत ने बनाया। किन के साथ? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। अभी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच अनेक बातें समान थी। मालाबार तट पर स्थित, मालाबार तट आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर कि यह कौन से राज्य में है, कौन से राज्य के तट को मालाबार तट कहते हैं, स्थित अनेक बंदरगाह भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान और भूमध्य सागर देशों को ले जाई जाती थी। अब यही तो पता ही है कि व्यापार तो होता ही था, है ना। तो मालाबार तट से भी कई व्यापार होते थे, कई देशों में माल जाते थे और आयात और निर्यात मालों का होता था। व्यापारियों के काफिले और धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी, स्थल मार्ग से। ठीक है, लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर भारत में व्यापार का ह्रास हुआ। क्या हुआ कि व्यापार तो बहुत तेज गति से चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसमें ह्रास हो गई, लॉस हो गया व्यापार का। ठीक है, व्यापारिक संबंध जो थे वो थोड़े से मतलब निगेटिविटी की तरफ चले गया, निगेटिव के पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्यों? इसका कारण कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि गंगा के मैदानों में बाढ़ आया होगा, है ना, कुछ विषम परिस्थितियां उस टाइम आई होगी। मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर प्रदेशीय परिस्थितियां, उस टाइम क्या हुआ था कि हूनों ने जो आतंक मचा रखा था ना चारों तरफ, हूनों ने चीन पर हमला करने का सोचा, वहां नहीं सक्सेस हुआ, तो वो कहां चला गया था? वो चला गया था मध्य एशिया में। मध्य एशिया होते हुए तो भारत में आया था, तो मध्य एशिया के साथ संबंध था भारत का, व्यापारिक संबंध था। तो मध्य एशिया में जो उन्होंने वो जो हून था वो हलचल मचा रखा था, उसके कारण उसका भी एक कारण माना जा सकता है कि भारत का व्यापारिक संबंध जो है उसके साथ थोड़ा मध्य एशिया के साथ अच्छा नहीं बन पाया। ठीक है, तो बहुत सारा कारण माना जा सकता है, बाढ़, नदी, मार्गों का चेंज हो जाना। ठीक है, तो ये सब व्यापारिक संबंध में जो ह्रास हुआ उसका कारण ये दो तीन चीज़ों को माना जाता है। ठीक है, और बताया जा रहा है गुप्त काल में जो कौन सा धर्म बहुत अच्छा था, हिंदू धर्म। उसने शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे वो लोग, वहाँ के व्यक्ति। ठीक है, उसमें शिव और विष्णु के उपासक लोकप्रिय बड़ी हो गई थी, मतलब लोग हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छा मानते थे। ठीक है, और धार्मिक साहित्य रामायण और महाभारत उस टाइम रचना उसका किया गया था। ठीक है, जिसमें बहुत ही कहानियां हैं। ठीक है, रामायण का मतलब वनवास के बारे में दिया है, महाभारत में कौंडव आपका जो पांडव कौरव जी हैं उनके बारे में सब दिया हुआ है। ठीक है, तो धर्म के बारे में बता रहे कि वो हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते थे, कुछ बाकी विशेष इसमें नहीं है। ठीक है, हम मतलब यूजलेस हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस टाइम वास्तुकला को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा था, बहुत मंदिर बनाए जा रहे थे, जैसे आपका अजंता, एलोरा, ये जो बनाया गया था हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वास्तुकला में ईंट एवं पत्थर से मंदिरों का निर्माण करना, वास्तुकला में क्या होता है, ईंट और पत्थर से मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जैसे देवघर का मंदिर झांसी में स्थित है और सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार है वाराणसी के निकट स्थित है। विहार क्या होता है, विहार आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस टाइम बताया जा रहा है कि वो लोग वास्तुकला में बहुत मंदिरों का निर्माण किया गया, एलोरा, अजंता जो भी थे मंदिर की तरह पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुफाओं की भांति नहीं थी, ये मंदिर थे जिसे ईंट और पत्थरों से बनाया गया था, गुफाओं की तरह नहीं कि पहाड़ों को काट कर बनाया जा रहा है, ये मंदिर है। ठीक है, इस काल में क्या था, आरंभिक मंदिर बहुत साधारण थे, केवल एक कक्ष हुआ करता था जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती थी, लेकिन क्या हुआ फिर से ही सब पूरा सजाया जाता था, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में कि बहुत सारे कमरे बनने लगे। ठीक है, वहाँ पे पूजा होने लगा, अगर देखिए, ठीक है, एक कक्ष का एक मंदिर देखने को मिलेगा देवघर झांसी जिले में भी, उस युग का ऐसा ही एक छोटा मंदिर है। एक कच्छ का मंदिर जो था वो था देवघर का मंदिर, झांसी में अवस्थित है। ठीक है, और इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रकार किया गया है, और बहुत सारे वहाँ पे गुफा मंदिर भी बनाया गया, गुफा विहार भी बनाया गया है जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। ठीक है, और पहाड़ों को काट कर बनाया गया है गुफा विहार, जिसमें जैसे आपका एग्जांपल है औरंगाबाद के पास अजंता में था गुफा विहार, और इन गुफा विहारों के अंदर दीवारों पर क्या था कि भित्ति चित्र बना होता था बुद्ध के जीवन के बारे में, उसमें जो था वो संबंधित घटनाओं का चित्रकार किया जाता था, ड्राइंग वहाँ पे किया जाता था बुद्ध के जीवन का जो जीवन के बारे में बोले तो वर्णन किया गया है वहाँ पे, जिसे हम भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र कहने का मतलब होता है ऐसा गुफा विहार जिसके दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रकार किया गया, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो विधि चित्र मतलब कि जिसमें बुद्ध जी के बारे में, बुद्ध की जीवनियों के बारे में उसमें चित्रांकन किया गया हो। ठीक है,
और गुफा विहार मतलब पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है और मंदिरों को काट कर नहीं बल्कि ईंट और पत्थर से बनाया जाता है। ठीक है, ये दो अंतर हो गया आपका मंदिर और उसके बीच में गुफा के बीच में। ठीक है, एक उस टाइम बहुत ही लोकप्रिय एक ग्रंथ था पंचतंत्र। ठीक है, साहित्य था कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। आप ये माइंड किए होंगे कि ये बहुत पूछ देता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है, रघुवंश किसके द्वारा लिखा है, तो ये सेम है कालिदास। ठीक है, ये बहुत ही फेमस था, कहानियों का संग्रह है ये सब पंचतंत्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानियों का संग्रह माना जाता है इसे। ठीक है, अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या मतलब स्थिति थी उस टाइम ये हम देखते हैं। महासंस्कृति केवल कला और साहित्य से नहीं बनती बल्कि ज्ञान विज्ञान में भी प्रगति होना आवश्यक है। सिर्फ संस्कृति से ही हमारा जो साम्राज्य है वो बहुत ही ब्रॉड और बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, बल्कि हर क्षेत्र में अगर हमारा साम्राज्य आगे है तब उस साम्राज्य को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो उस समय का जो साम्राज्य था वो ज्ञान विज्ञान में भी बहुत आगे था, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत आगे था। ठीक है, व्यापार के जरिए दूसरों लोगों के साथ संपर्क और ज्ञान का फैलाव कर वहाँ के लोग करते थे, ज्ञान लेते थे पश्चिमी क्षेत्रों से, जैसे कि व्यापार करते थे। और इस काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर दो वैज्ञानिक थे उस टाइम के। ठीक है, और क्या था कि फलता एक एक टर्म्स यूज़ किया गया है एनसीईआरटी में, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो फलित ज्योतिष जो होता है उसका मतलब होता है कि आकाश के पिंडों की जानकारी का उपयोग भविष्य बताने के लिए करना। ठीक है, फलित ज्योतिष का मतलब आकाश के पिंडों की जानकारी का उपयोग भविष्य बताने के लिए करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये रहा कि उस टाइम इसे ये पता चल रहा है कि वहाँ पे लोग बहुत ही उन्नत तरीके से उनका साम्राज्य चल रहा था, विज्ञान के क्षेत्र में भी वो उमदा विकास कर रहे थे। ठीक है, वो व्यापार भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, भले कि लास्ट में कुछ परिस्थितियों के कारण उनके व्यापारिक संबंध जो थे देशों के साथ वो थोड़ा ख़राब हो गए और व्यापारिक स्थिति जो थी, उनके व्यापार की जो स्थिति थी वो ह्रास में चला गया। ठीक है, और बस यही आपका इस चैप्टर्स में दिया हुआ है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इस वीडियो को समझने में या फिर हमारे सिनॉप्सिस लिखने के तरीका में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो होता है वो हमें बहुत काफ़ी मोटिवेट करता है और अच्छे से वीडियोज़ बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, इतिहास का क्या, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके एनसीईआरटी मैं आपको समक्ष पेश करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।